बिजली बिल के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया था उसे अब बीजेपी अगले चरण तक लेकर गई है। डीईआरसी में विजय गोयल जी पहुंचे हैं, बीजेपी नेता। सर, आज आपने मुलाकात करी है डीआरसी चेयरमैन से? हमने डीआरसी चेयरमैन से आज मुलाकात की है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 6 गुना फिक्स चार्जेस बढ़ गए हैं। उनका कहना है कि हमने वेरिएबल और फिक्स चार्जेस को अलग अलग किया है, पर हमने कहा है कि इससे बढ़ के बिल क्यों आ रहे हैं, बिजली के बिल इतने बढ़े क्यों हैं, तो उनका उनके पास जवाब नहीं है, वो टेक्निकल चीज़ समझा रहे हैं। तो अभी हमारी एक मीटिंग और होगी जिसके अंदर हम साफ तौर से इस बात को रखेंगे कि एक, आपने 6 गुना जो फिक्स चार्जेस हैं वो क्यों बढ़ाए हैं, दूसरा आप उपभोक्ता से 3.8% जो पुराने दिल्ली विद्युत के कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी उसके लिए उपभोक्ता के ऊपर क्यों लोड डाल रहे हैं, तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस हैं। तो एक बार डीआरसी के साथ फिर हम मीटिंग करेंगे और हम देखेंगे कि ये फिक्स चार्जेस वापस होने चाहिए। लेकिन सर, वो केजरीवाल जी ने बीते दिनों कहा था कि वो वापस करवाने के उस पर हैं, कि आपको उस पर उम्मीद है? अगर वो वापस करवाने पे होते तो आज हमें आने की जरूरत क्यों पड़ती? तो मैं समझता हूँ हम दिल्ली में जनता को खड़ा करके उन पर दबाव बनाएंगे कि ये फिक्स चार्जेस वापस होने चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राज्यसभा सांसद दिल्ली से विजय गोयल जी यहाँ पर पहुँचे हैं और डीआरसी का भवन है, यहीं से जो बिजली के दाम है दिल्ली में वो तय होते हैं। ऐसे में जो मुद्दा बीते दिनों बीजेपी ने उठाया था कि दिल्ली में फिक्स चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसी को लेकर आज विजय गोयल डीआरसी में पहुँचे और चेयरमैन से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की।